Hello, my dear royal civilians. Welcome to Byju's exam prep. Hope you all are fine and in good health. So, फटाफट से session को join कर लीजिए so that we can proceed with today's session regarding irrigation engineering. So, guys, फटाफट से session को join कर लीजिए. Be fast. तो ज्वाइन द सेशन फास्ट, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस. 15 क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे विच विल कवर ऑल योर टॉपिक्स ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग जो अभी तक आपने पढ़ा है. ठीक है एनएस, हेलो डियर. ठीक है, सो फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ताकि हम आगे बेसिकली आई एम गुड एनएस, आई एम गुड. ओके, तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए विद ऑल योर फ्रेंड्स ताकि हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सके. सो लेट्स स्टार्ट, व्हाई टू वेस्ट टाइम. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 24 जुलाई को 11 AM पर होने वाला है स्कॉलरशिप पेपर, जिसमें आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है. अगर आप चाहें तो जस्ट दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अपना लेवल देखने के लिए कि अभी आप प्रिपरेशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, उसके लिए भी ये पेपर दे सकते हो. ठीक है, चलो मूविंग फर्दर. अब हम लोग सेशन को स्टार्ट कर देते हैं, फटाफट से सेशन को स्टार्ट कर देते हैं. अब यहाँ पर जो मैं सेशन को स्टार्ट कर रही हूँ, आई गेस अब फटाफट से आ जाओ, अदरवाइज स्किप हो जाएगा आपका आगे का लेक्चर, ये जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले देखो, बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ 1 मार्क्स के रहेंगे, कुछ बेसिक रहेंगे, कुछ टफ रहेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के रहेंगे. ठीक है, तो आपको पूरा कॉम्बिनेशंस मिलेगा वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का जो हम लोग डील करते जाएंगे. क्लियर. अब अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो क्रॉप की होती है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं क्वेश्चन में ये लिख कर दे, अगर वो NIR भी लिख के दे रहा है उसका मतलब होता है नेट. मैम मोस्ट विच सब्जेक्ट्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग फॉर गेट एंड ESC प्लीज टेल. अरे वाह, संदीप का आंसर आ गया. एक सेकेंड संदीप, बस इनको आंसर कर दूँ NS जी को. मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट्स में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है आपका जियोटेक, इन्वायरमेंट, हाईवे. ये जो है अगर मैं बात करूँ इनका वेटेज ज़्यादा रहता है. ESC की बात करूँ तो उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स का वेटेज ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू गेट, जितने बिल्डिंग मटेरियल्स का उतना वेटेज नहीं रहता. ठीक है, अब फटाफट से हमें सेशन को एक्सटेंड नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके फटाफट से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्रॉप की, तो अगर मैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो ये होता है बेसिकली कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट. ठीक है, अब ये लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है, जब भी अगर आपके सॉइल में सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं तो हम वाटर अप्लाई करते हैं इस तरीके से कि वो जो भी सॉल्ट्स है वो उस पानी में घुल जाए, और विद द हेल्प ऑफ अंडर ड्रेन्स और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से हम उस सॉल्ट्स को जो सॉइल में प्रेजेंट थे उसको निकाल सके. दैट इज लीचिंग रिक्वायरमेंट. अब अगर कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट की बात करूँ, ये होता है कंजम्पटिव यूज. ये बेसिकली कंजम्पटिव यूज होता है, बट अगर कंजम्पटिव यूज मतलब प्लांट्स को जो पानी चाहिए होता है इवैपो ट्रांसपिरेशन या इवैपोरेशन एंड ट्रांसपोरेशन नीड्स को फुलफिल करने के लिए, कंजम्पटिव यूज में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी आ जाती है. ठीक है, उस दौरान अगर रेनफॉल हो रही है तो आपको वो रेनफॉल वाला पानी सब्सट्रैक्ट करना होगा. क्लियर, तो यहाँ पर ही हो जाएगा कंजम्पटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस लीचिंग और जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स होती है. अगर क्वेश्चन में इसकी जगह दिया होता आपको, अगर यहाँ पर कंजम्पटिव यूज टर्म ना देकर अगर आपको बोल देता कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट और ये कंजम्पटिव यूज वाला आपको नहीं दिया होता, तो आपका वो आंसर सही हो जाता. ठीक है, तो हमें इसके अलग अलग जो इसके वेरिएशन है वो भी पढ़ना पड़ेगा. अब चलो सेकेंड क्वेश्चन का मुझे आंसर दो. आपको टाइम फैक्टर दिया शुरू में, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, देन इवेंचुअली हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी देखेंगे. चलो जल्दी बताओ संदीप, NS, जल्दी, बी फास्ट. आपको क्वेश्चन में टाइम फैक्टर दिया है, शॉर्ट में TF लिख लेती हूँ, 12/20. आपको कैपेसिटी फैक्टर दिया है 0.8. आपसे डिजाइन डिस्चार्ज पूछा है, क्यों पूछा है जल्दी बताओ. डिजाइन डिस्चार्ज क्या होगा,
इसमें इसको एक चीज और मेंशन करनी चाहिए थी, जो डिस्चार्ज है वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, वो होगा 2.163 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन होना चाहिए। क्वेश्चन में जो डिस्चार्ज है वो आपको गिवन है 2.163 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और आपसे डिजाइन डिस्चार्ज पूछा है। ठीक है, डिजाइन डिस्चार्ज कैन यू कैलकुलेट, डिजाइन डिस्चार्ज निकाल पाओगे संदीप एंड एवरीबडी एल्स, निकाल पाओगे डिजाइन डिस्चार्ज? क्यू ऑलरेडी जो आपको गिवन है वो है 2.163 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर, ये डिजाइन डिस्चार्ज नहीं है। अगर आपको डिजाइन डिस्चार्ज निकालना है, ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो संदीप का आंसर आ गया, बाकी लोग कंप्लीट करो, वो नहीं तो ले आएगा AIR1। और आप लोग, भाई तू ले आ, मैं वेट कर लेता हूँ, मैं सेकेंड आ जाऊंगा, ऐसा करोगे क्या? 2.163, टाइम फैक्टर होता है 12/20, कैपेसिटी फैक्टर है 0.8, कितना आ रहा है? 4.5, 4.5 आ रहा है, तो 4.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके लिए सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन बन जाता, इतनी सी चीज थी। नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको बन जाना चाहिए, ऐसे वाले क्वेश्चंस तो भर भर के पूछे गए। नॉट ओनली, अगर आप बहुत सारे और एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें भी पूछा जा चुका है, और गेट में तो पूछा ही जा चुका है। बता पाओगे? फील्ड कैपेसिटी आपको क्वेश्चन में दी गई है 22%, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आपको दिया गया है 12%, और जो परमिसेबल डिप्लीशन है वो दिया गया है 60%, जो परमिसेबल डिप्लीशन अलाउड है। ठीक है, आपसे पूछा है कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट बताने को, क्या क्या दिया है? इफेक्टिव रेनफॉल दिया है, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल दिया है। क्वेश्चन में अगर मेंशन ना हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप गामा डब्ल्यू 1000 kg/m³ लोगे। स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन एनएटी हो, जब तक आप लोग सॉल्व करो, एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग मोस्ट वेटेस्ट चैप्टर फॉर ग्रेड, यू कैन गो फॉर मैट्रिक्स एंड ऑल डियर। अब वो तो डिपेंड कर जाता है ना आप कौन से ब्रांच के हो, क्योंकि हर ब्रांच में जो है वो अलग अलग इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। अब जैसे आप लोग से जो, अगर मैं सिविल की बात करूं तो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ सकता है, बट इंटीग्रेशन वगैरह हाई लेवल का इतना नहीं पूछता है। ठीक है, चलो बाकी लोग सॉल्व करके बताओ मुझे इसका आंसर। आया आंसर 70 mm आ गया। ठीक सेकेंड, सिस्टम ही हैंग हो जाता है सिस्टम में। का आंसर आ गया, 1 सेकेंड बस। हाँ, तीन लोगों का आंसर आ गया। संदीप, संदीप का तो सबसे पहले ही आ जाता है हर चीज का आंसर, और ये हो गया है सिस्टम हैंग। 1 सेकेंड, 1 मिनट वेट करना।
चलो, फील्ड कैपेसिटी है 22%, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है 12%, परमिसेबल डिप्लेशन अवेलेबल मॉइस्चर का 60%। सबने, अब मेरी वॉइस आ रही है? हेलो हेलो, वॉइस भी नहीं आ रही। गाइस सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, जस्ट 2 मिनट्स। सो ओके फाइन, हो गया। चलो, एम आई ऑडिबल नाउ? रिफ्रेश क्या करूं बेटा, हो गया होगा। तो एम आई ऑडिबल नाउ? एम आई ऑडिबल? चलो, फटाफट सब सबने तो इसका आंसर दे दिया है। फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट डिप्लीशन, परमिसेबल डिप्लीशन दे दिया। मुझे सॉल्व कराना है इसको कि नहीं कराऊं? एफ सी माइनस रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, और क्या हो जाएगा? गामा डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन गामा डी इंटू डी। फील्ड कैपेसिटी कितनी दी थी? 22%। 22% सबने किया कि मैं करके बताओ? 22%। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, एक तरीका कि आपके पास फील्ड कैपेसिटी माइनस 5, ये कितना हो जाएगा? 22 माइनस 12, 10%। और इसका कितना बोला है उसने? परमिसेबल डिप्लीशन इसका 10% का, जो 10% है इसका 60%, ठीक है? इसका 60% लेना है, तो जो आपका परमिसेबल डिप्लीशन हो जाएगा, टेन परसेंट ऑफ 60%। इसको बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है? तो ऑब्वियसली 6% आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये आ गया 0.06। गामा डब्ल्यू नहीं मेंशन है। 1000 kg/m³ ले लो, और ये हो जाएगा 1500। 1500 डी डब्ल्यू आपको निकालना है। क्वेश्चन में आपको बोला है पर मीटर, तो ये 1 मीटर हो जाएगा। डी डब्ल्यू कितना आ रहा है? डी डब्ल्यू कितना आ रहा है सॉल्व करके बताओ फटाफट। सॉल्व इट एंड टेल मी व्हाट इज डी डब्ल्यू कमिंग। फटाफट से बताओ, कमेंट्स देख रही हूं मैं। डी डब्ल्यू कितना आ रहा है? किसी ने नहीं निकाला डी डब्ल्यू? देखो, आएगा ये मीटर में, उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो एमएम में आ जाएगा, तो ये 90 mm हो जाएगा। क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा है? कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालेगा। कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी होती है? कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता तो सिर्फ सीयू होती, बट उसने इफेक्टिव रेनफॉल भी दिया है। एक दिन के लिए डेप्थ ऑफ वाटर और कंजम्पटिव यूज सेम हो जाएगा। 90 माइनस इफेक्टिव रेनफॉल कितनी हो रही है? 20। तो सबका जो आंसर आया था वो बिल्कुल सही था, 70 mm, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बता दो मुझे जल्दी, फटाफट से इसको बता दो। एक क्रॉप है, उसको 45 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है फील्ड में, ठीक है? जिसमें 30 डेज बेस पीरियड है। ड्यूरिंग दिस पीरियड रेनफॉल भी हो जाती है, और जो रेनफॉल होती है वो 12 सेंटीमीटर की होती है। अगर 20% का लॉस है तो ड्यूटी कितनी निकल के आएगी हेड ऑफ वाटर कोर्स में? वेट करूं कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो, कि शुड आई वेट और शैल आई सॉल्व? देखो, क्वेश्चन में उसने आपको क्या दे रखा है? डेल्टा दे रखा है, 45 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है 30 डेज के बेस पीरियड के लिए। पर ये आपका डेल्टा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उसी समय उस 30 डेज में 12 सेंटीमीटर की रेनफॉल भी हो रही है, ठीक है? तो 12 सेंटीमीटर की रेनफॉल भी हो रही है। मेरी क्वालिफिकेशन इस सेशन में सबसे शुरू में दिखा दिया था आपको, वो स्लाइड आप देख लो, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2, और ये हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। अब निकालो, ड्यूटी निकालनी है, ड्यूटी। ड्यूटी
यूटी निकालनी है। क्या होता है, डेल्टा 8.64 b/d, ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब डेल्टा आपका किस में हो, मीटर में हो, बेस पीरियड डेज में हो, और ड्यूटी आपका हेक्टर्स पर क्यूमैक में हो। तो 8.64 बेस पीरियड दिया है 30 डेज, और डेल्टा दिया है संदीप का, आप ये बहुत बढ़िया, डेल्टा कितना ले लोगे, 0.33। ड्यूटी कितना आ रहा है संदीप, कितना आ रहा है कि मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ड्यूटी कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद, 785.45 आ रहा है, 785.45। क्या यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में तो दिया है ये। अब बोल रहा है 20% लॉस हो रहा है, तो बताओ ड्यूटी जो वाटर कोर्स के हेड में पहुंच रही है वो कितनी होगी, बताओ कंसेप्ट बताओ। ये तो गलत बोल दिया संदीप ने, गलत बोला। रुद्राज का सही आ रहा है संदीप, आप अच्छा इसका आंसर बोल रहे थे, ठीक है ठीक है, जो मैंने कैलकुलेशन पूछा। बताओ अब क्या करेंगे, ड्यूटी कैसे निकालेंगे वाटर कोर्स में, 20% लॉस हो रहा है ड्यूटी एट हेड ऑफ वाटर कोर्स, 20% लॉस हो रहा है, तो कितना परसेंट पहुंच रहा है, 80%, 87.85.45। कितना आया, कितना आया, कितना आया, ये 600 एंड समथिंग आ रहा है। ठीक है, सबका आंसर अलग क्यों आ रहा है, सबका आंसर अलग क्यों आ रहा है। अच्छा ये बताओ ड्यूटी जो है, एक चीज मुझे बताओ, ड्यूटी फील्ड में ज्यादा होती है, ड्यूटी जो फील्ड में ज्यादा होती है कि ड्यूटी जो वाटर कोर्स है उसमें ज्यादा होती है, ये बताओ, आंसर आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। ड्यूटी फील्ड में ज्यादा होती है कि ड्यूटी जो है आपका वाटर कोर्स में ज्यादा होती है, बताओ। जो लोग इसमें अगर 0.8 से डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे आप बताओ, ड्यूटी फील्ड में ज्यादा होती है कि वाटर कोर्स में ज्यादा होती है, फील्ड में, तो ये तो फील्ड की थी क्या। चलो नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो उसमें, इसमें मैं पहले ही बोल रही हूँ, एक डाटा जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जल्दी बताओ। और मैं बता रही हूँ कल होने वाला है मिंटी क्विज फिर से, और जो टॉप करेगा उसको फिर से कल होने वाला है मिंटी क्विज, जब तक सब लोग सॉल्व करो। कल मिंटी क्विज होने वाला है इरिगेशन और सर्वे का, दैट इज वॉर बिटवीन चैंपियंस एंड रॉयल सिविलियंस, तो कल होगा सेम टाइम पे। तो फटाफट से सब चीजों को ब्रश अप करके आना, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है ठीक है, बट ज्यादा इजी भी नहीं है, क्लियर। जल्दी इसको सॉल्व करो। ए फ्लो हो रहा है 150 लीटर्स पर सेकेंड का, वो सप्लाई किया गया टैंक से कितने हेक्टर एरिया को इरिगेट करने के लिए, 12 हेक्टर लैंड को इरिगेट करने के लिए, कितने घंटे में, 8 घंटे में। अगर देखा कि जो एक्चुअल में डिलीवरी रेट है फील्ड में वो 120 लीटर्स पर सेकेंड, और रन ऑफ लॉस अगर 1000 m³/s है, तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होगी। ये होता है वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ क्रॉप्स, वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड इंटू 100। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का, किसी का आंसर नहीं आया। देखो कितना पानी स्टोर हुआ रूट जोन ऑफ क्रॉप्स में, क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन ऑफ क्रॉप्स, पहले क्वांटिटी ऑफ वाटर जो फील्ड में डिलीवर हुआ वो देख लेते हैं, वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड कितना हुआ, 120 लीटर्स पर सेकेंड, पर मुझे चाहिए वॉल्यूम के टर्म्स में। बहुत बढ़िया नीरज का आंसर भी आ गया, लीटर्स पर सेकेंड। ये हो रहा है 8 घंटे के लिए, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। कितना आया नीरज, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आया। इसको 10⁻³ से कर देना डिवाइड, ताकि एक बार में आंसर जो है वो मीटर क्यूब में आ जाए, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। ये आ रहा है 3456 m³। इतना पानी फील्ड में डिलीवर हुआ,
पर इतना पानी जो है वो स्टोर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ पानी रन ऑफ लॉस हो गया. कितना लॉस हो गया? 1000 m³, तो उसको सब्सट्रैक्ट करना है इनटू 100. सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है. 71.06% कुछ आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 71% हो जाएगा. ठीक है, सबको क्लियर है? संदीप को क्या हो गया, श्री को भी? आंसर अभी तक क्यों नहीं दिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो इसमें मैं चाहती तो आपसे सिर्फ ऐसे आर पूछ लेती कि कैसे निकालते हैं, और सबको वो फॉर्मूला पता होता है. बट इसकी फर्दर, अब देखो ये जो लो सोडियम, मीडियम सोडियम, हाई सोडियम और वेरी हाई सोडियम, ये एक जगह, और इसकी वैल्यूज के ऊपर भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है. पहला टाइप का क्वेश्चन, दूसरा टाइप का जो मैंने आपको बताया है, और तीसरा टाइप का कि सिर्फ ऐसे आर पूछ ले. तो सिर्फ ऐसे आर पूछ ले वो तो 1 मार्क्स में आपसे पूछ लेगा, पर इसमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि लो सोडियम वाटर की रेंज क्या होती है, मीडियम सोडियम, हाई सोडियम, वेरी हाई सोडियम, इसके अलावा किसको कहाँ यूज करते हैं वो भी आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है. ठीक है, तो फटाफट से बता दो. चलो पहले तो बताओ एसएआर निकालते कैसे है. बी, चलो एक बार चेक कर लेते हैं. एसएआर निकालते कैसे? एनए प्लस रूड ओवर CA2+ प्लस Mg2+/2. वैल्यूज पुट करो, और ध्यान रहे, ध्यान रहे एक चीज और, ये जितनी भी वैल्यूज पुट करनी है ये मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में करनी है. कहने का मतलब है जो कंसेंट्रेशन है कैल्शियम का, अगर मिली इक्विवेलेंट बताओ, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम. ठीक है, तो ये आपका मिली इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अगर ये एमजी पर लीटर में होता तो पहले आप इसको मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते और फिर ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो वो उसको 2 मार्क्स में दे देते, क्योंकि उसमें आपको एक स्टेप और करना पड़ता. ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी. चलो इसको सॉल्व करके बताओ वैल्यू कितनी आ रही है संदीप, ये बताओ. 17.73 रूट ओवर 2.32 प्लस 1.44 डिवाइडेड बाय 2, कितनी आ रही है? मैं ही सॉल्व करूं? ट्वेल्व पॉइंट नाइन थ्री आ रही है. 12.93 ये किसके बीच में फॉल कर रहा है? ये फॉल कर रहा है 10 और 15 के बीच में, क्योंकि ये सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो फॉल कर रहा है किसके बीच में? 10 और 15 के बीच में, कि 10 और 18? बताओ 10 और 15 की 10 और 18? मैंने नहीं बताना, जल्दी बताओ 10 और 15 की 10 और 18? तो इसको आप बोल देते हो मीडियम सोडियम वाटर. चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो ये फॉर्मूला तो मुझे लगता है सबको पता ही होगा इसका फॉर्मूला. ये फॉर्मूला मैंने आपको जब इरिगेशन की क्लासेस ली थी प्रॉपर, तभी भी आपको यूट्यूब में, तभी भी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था. फटाफट से बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो. बस इसमें ना फॉर्मूला उतना मैटर नहीं करता, जितना मैटर करता है कि यूनिट्स को. फॉर्मूला तो याद हो जाता है, जो गलतियां होती है वो यूनिट्स में होती है. टाइम रिक्वायर्ड वाई बाय एफ लॉग क्यू अपॉन क्यू माइनस एफ ए. ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि कितना इनफिल्ट्रेशन रेट है, मतलब मुझे एफ पता है. ठीक है, जो डेप्थ ऑफ वाटर है फील्ड में जो कि एक्सपेक्टेड है वो मुझे वाई पता है. कितने एरिया को इरिगेट करना है वो मुझे पता है, कितना एरिया को इरिगेट करना है 0.15. देखो मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए गलत कर सकती हूँ, बी अटेंटिव और मुझे करेक्ट करो. डिजाइन रेट है क्यू, नहीं तो सब क्वेश्चंस मैं कर दूंगी तो फिर तो हो गया. वाई 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 कितना दिया? एवरेज डेप्थ आपको 7 सेंटीमीटर. देखो मैंने इसको यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ही लिखा है. इनफिल्ट्रेशन रेट है 5 सेंटीमीटर पर आवर. अगर आप वो पर्सन हो जो यूनिट्स में मिस्टेक करते हो, मेक श्योर कि आप उसको बाजू में लिखो. ठीक है, डिस्चार्ज कितना दे रखा है? 0.03. देखो ये डिस्चार्ज दिया m³/s में, तो फिर जब मैंने यहाँ पे कन्वर्जन करनी है तो मैंने सब m³/s. अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर, m³/s माइनस नहीं होगा, तो फिर इसको मैंने कर दिया 0.05 m³/h है. 60 मिनट्स इंटू 60, एरिया कितना है हेक्टर में? 0.15 × 10⁴. कितना आ रहा है, कितना आया सॉल्व करने पर? आवर में आएगी वैल्यू, पहले आवर में आएगी वैल्यू संदीप.
पहले आवर में बताओ कितना है। मुझे लग रहा है शायद यूनिट्स में तो गड़बड़ी नहीं की, मैं भी सॉल्व कर लेती हूँ जब तक। 0.03 60, 60। एक बार आंसर दोबारा चेक करो। कितना आ रहा है सबका, कितना आ रहा है? लॉग लेना है इसका, सबका कितना आ रहा है? पहले आवर में बताओ नीरज, पहले आवर में बताओ बेटा। दो लोगों का सेम आया है, एक बार चेक कर लेते हैं। लॉग लगाना वो 0.5 10 रेस्ट। ओके 7 डिवाइडेड बाय 5, ये तो 1.6598 आवर आ रहा है। सबका कैसे गलत गलत आ रहा है? 1.6598 आवर आ रहा है। तो अगर इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ तो 60 से कर दूँ तो 99.59 मिनट्स करीब आ रहा है। सबका आंसर क्यों गलत आ रहा है? 99. नेचुरल लॉग लिया मैंने। अगर आप लॉग बेस्ड टेल लेते तो 2.303 करना था आपको। 59 आ रहा है मिनट्स। सबका यही आ रहा है, सबका अलग क्यों आया नीरज? संदीप यही आ रहा है? चलो फिर, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? चलो अब देखो, किसने, नीरज ट्रैवल इंजीनियर ने किया मिस्टेक्स। तो देखो क्वेश्चन बनते हुए भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करके आओगे तो वो भी गलती में ही काउंट होगा। तो इसके बाद ये क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल है। ट्रिकल इरिगेशन का इसका दूसरा नाम क्या होता है जरा बताना तो? ट्रिकल इरिगेशन का दूसरा नाम क्या होता है पहले बताना मुझे, नहीं तो मैंने नहीं बताना ये क्वेश्चन। जल्दी बताओ संदीप, नीरज, एवरीबॉडी, सब लोग मुझे बताओ ट्रिकल इरिगेशन का दूसरा नाम। वेरी गुड, दो लोगों ने अलग अलग आंसर दिया, बताओ किसका सही है, बताओ किसका सही है। संदीप गलती कैसे हो गई? गुड इवनिंग राहुल, गलती कैसे हो गई? अब डिलीट क्यों किया उसको? ड्रिप इरिगेशन होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी उसी में मिलती है, पर कॉस्टली भी वही होता है, ठीक है। आप नेटवर्क ऑफ अंडर ड्रेन्स पाइप लगाते हो जिसमें आपके जो लॉसेस है वो कम निकल के आते हैं। अब मुझे बता दो कौन सा इसमें सही है। देखो सबको एक ही नाम याद है, ड्रिप ड्रिप ड्रिप, बट देखो क्वेश्चन में दूसरा नाम दे दिया। इसीलिए अगर किसी भी चीज के सिनोनिम्स है, और ये चीज एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बात कर रहे हो वॉल्व वगैरह की, उसमें गेट वॉल्व के और भी नाम होते हैं, वो सब ना आपसे पूछ लेता। चलो बताओ मुझे। वेरी गुड संदीप। बाकी लोग क्या बोला? डीप परकोलेशन और रन ऑफ लॉस जो वो प्रैक्टिकली इलिमिनेट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप डायरेक्ट रूट जोन में आप क्या करो, इरिगेशन कर रहे हो, ठीक है। डीप पहले परकोलेशन होता है, जब पानी मूव करता है अनसैचुरेटेड सॉइल मास से सैचुरेटेड सॉइल मास पे, उसको बोलते हैं परकोलेशन। अगर वो पानी फर्दर मूव करके क्रैक्स फिशर से पास करता है तो आप उसको बोलते हो डीप परकोलेशन, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली एलिमिनेट हो जाता है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, जितने भी आप बाकी चीजें जो बाकी मेथड्स ऑफ इरिगेशन है उसमें सबसे ज्यादा आपको ड्रिप इरिगेशन की मिलती है। फर्टिलाइजर जो है आप इरिगेशन वाटर के साथ अप्लाई कर देते हो, वो भी बात सही है। जो एक चीज पूछी है, इवेपो ट्रांसपिरेशन इज प्रैक्टिकली एलिमिनेटेड, कम होता है, ठीक है, बट पूरा एलिमिनेट हो जाए ये बात गलत है। तो जो गलत है वो यहाँ पर सही है, ठीक है। चलो अब ये बताओ, ये तो आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन है, दूसरे का देख के आंसर मत करना। लेसी जी की स्काउ डेप्थ का फॉर्मूला कोई इधर नहीं देखेगा स्क्रीन पे, सब लोग अपने से करेंगे, कोई स्क्रीन पे नहीं देखेगा।
सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ अभी तक आया नहीं, मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया। चलो तो मैं ही सॉल्व करती हूँ। वन पॉइंट फाइव टू फोर फोर आ रहा है क्या सबका? 1.5244। देखो ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। हेलो मैम, आप कैसे हो? बहुत दिन बाद आपको देख रहा हूँ। सार्थक, आई एम गुड, लिटिल बिट टुडे आई एम नॉट वेल, बट फॉर बिकॉज ऑफ द लव ऑफ योर ऑल स्टूडेंट्स आई एम गुड डियर। मैं भी बहुत दिन बाद आपसे मिल रही हूँ, आई रिमेम्बर यू सार्थक। चलो टेंथ क्वेश्चन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलो बता दो मुझे आंसर। लिमिटिंग हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम। डैम बोलो, लिमिटिंग हाइट ग्रेविटी डैम बताओ। अगर देखो इस सेशन का, देखो हम लोग टाइम तो बिल्कुल वेस्ट कर नहीं रहे, बस इस सेशन का ये काम है फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाना है, कंसेप्ट रिवाइज हो जाना है, और जहां पर मिस्टेक्स कर रहे हो वो सब चीजें अब रेक्टिफाई हो जानी चाहिए। F अपॉन गामा W, देखो यहाँ पर आपको कहीं पर भी अपलिफ्ट प्रेशर नहीं दिया है, फिर उसको यूज नहीं करना है। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 35 kg/cm², गामा W ले लो। देखो 10 रेस्ट यहाँ पे देख लो भाई साहब, गलती नहीं करना, kg/cm² है, ठीक है? तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे वो kg/cm³ में करोगे, गलती यहीं पर होगी बस, ठीक है? यूनिट्स का खेल है यहाँ पे। 2.38+1, सार्थक का आंसर आया बी, और सार्थक ने 100, सार्थक नहीं सॉरी नीरज का आंसर आया बी। और नीरज बता दो गलती तुमने यूनिट्स में की ना, 1000 रख दिया ना, 1000 रख दिया ना आपने वैल्यू को, बताओ सबको। चलो सॉल्व करके बताओ बाकी लोग। देखो लाइफ में इतना टाइम नहीं है कि सब गलती खुद करे, कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए, ठीक है? जैसे आज आप लोग नीरज की गलती से सीख लो, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी। देखो ये आ रहा है 10355 सेंटीमीटर, अब इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगी तो ये आ जाएगा 103.5 मीटर। गलती की थी कि नहीं नीरज, अब बता भी दो भाई, और किसने ये गलती की थी? तो देखो मैं हमेशा बोलती हूँ अगर यूनिट्स में मिस्टेक्स होती है तो आप यूनिट्स को बाजू में लिखो। 103.5 सेंटीमीटर नहीं आएगा, वो 103550 आ रहा था, तो फिर उसको मैंने 1000 से 100 से डिवाइड किया। ये बता दो। चलो मैंने इसका जवाब गलत भी दे सकती हूँ, मुझे करेक्ट करो, हो सकता मैं गलत दू, हो सकता मैं सही भी दे दू। गैरेट डायग्राम जो आप यूज करते हो स्टेबल चैनल्स की डिजाइन के लिए, वो किस पे बेस्ड होता है? वेरी गुड, ये पहले वाले का तो भी नहीं था। चलो कैनेडीज थ्योरी और कटर्स फॉर्मूला में, बहुत बढ़िया। चलो अब ये बताओ, अच्छा इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज स्पेसिफाई नहीं किया, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक अनलाइन कैनल है जो कि डिजाइन होना है कैनेडीज थ्योरी से, जिसका डिस्चार्ज आपको दे रखा है, कैनल का साइड स्लोप दे रखा है, ये हाफ और हाफ इज टू वन दिया है। कोई मुझे बता सकता है इसमें हॉरिजॉन्टल कौन सा और वर्टिकल कौन सा है? मैंने ये चीज मेंशन नहीं की क्योंकि मुझे आपसे ये चीज पूछनी थी। एनीबडी कैन टेल मी? वेरी गुड संदीप, इसमें जो 0.5 है वो हॉरिजॉन्टल है और जो 1 है वो वर्टिकल है। ऑब्वियस सी बात है, ये चीज आप डिजाइनिंग में, अगर आप ESC की तैयारी करते तो कन्वेंशनल में आपको जब सिर्फ डिस्चार्ज दे देता और बाकी सब चीज अज्यूम करनी पड़ती तो जनरली आप साइड स्लोप हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल ले लेते हो, ठीक है? आप क्योंकि इसमें मुझे डी दिया है, देखो आप चाहो तो वाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बी बाय वाई क्योंकि आपकी हैबिट होगी। यहाँ पे डी दिया है तो मैं डी करके सॉल्व कर रही हूँ। अब मुझे पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये डिस्टेंस है डी, क्लियर? तो यहाँ पर ही हो जाएगा बी प्लस एन डी इंटू डी। देखो चेक करो भाई, मैं गलत भी कर सकती हूँ,
बी अटेंटिव, बी प्लस एन डी, और एन यहाँ पे कितना है, एन है आपका 0.5, ठीक है, एन है आपका 0.5। फिर आपको पता है डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी पी प्लस 0.5 डी इंटू डी। इसमें बाय डिफॉल्ट वी नॉट आपको क्या लेना है, वी नॉट आपको क्या लेना है, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रही हूँ, 0.55, 0.55। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो तो हमको दे रखा है 1, तो फिर तो उसकी जरूरत ही नहीं है। डी की पावर 0.64, ठीक है। अब बी और डी का मुझे रेशियो दे रखा है कितना, 7, तो मैं बी को रिप्लेस करूंगी, ऑब्वियस ही बात है, मुझे तो डेप्थ चाहिए, तो मैंने बी को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो जल्दी करके बता दो मुझे, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 7, 7 बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 डी, तो ये हो जाएगा 7.5 डी का स्क्वायर इंटू 0.55 डी की पावर 0.64। यहाँ से डी निकाल के बता दो, इतना सा क्वेश्चन है, चलो यहाँ से डी निकाल के बता दो। ये हो जाएगा, देखो यहाँ बेस उसका सेम है, तो ये हो जाएगा 2.64, तो 28 डिवाइडेड बाय 7.5 और डिनोमिनेटर में 0.5, और ये मिलेगा डी की पावर 2.64, और इसको 1/2 कर देना होल रूट करके, आया आंसर। मैं भी करके देखती हूँ, गलत बता दिया तो। कितना आ रहा, मेरा आ रहा है 2.065, मेरा आ रहा है 2.065 मीटर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.07 मीटर के इक्वल है। सबका वही आ रहा है, चलो संदीप का भी वही आ रहा है, मतलब मैंने सही कैलकुलेशन किया है, फाइन। चलो अब एक क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है, चलो सॉल्व करो पहले। सॉल्व करो उसको, फटाफट से, ट्रैवल इंजीनियर नीरज, संदीप, श्री, जल्दी करो। देखो अगर आपको परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर दोनों दिया है, तो आप अवेलेबल मॉइस्चर और रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर दोनों दिया, तो आप रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर को बाय डिफॉल्ट यूज करोगे। यहाँ पर आपको फील्ड कैपेसिटी दे रखी है 0.23, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दे रखा है 0.11, गामा डी दे रखा है 1.5 ग्राम पर सीसी, ठीक है। शुरू वाले में ना डेंसिटी दी थी, पर डेंसिटी जो होता है वो रो इंटू जी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने उसको गामा डी में ही सब्सटीट्यूट कर दिया था, जो हम लोग ने पहले क्वेश्चन किए थे, ठीक है, इसी एसी वाला से रिलेटेड, तो उसमें यूनिट वेट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग जो गामा होता है यूनिट वेट, उसको रो इंटू जी ले लेते हैं, ठीक है। रूट जोन डेप्थ दिया है 70, निकाल पा रहे हो सब लोग, फटाफट से करो भाई। रूट जोन डेप्थ दे रखी है कितनी, 70 सेंटीमीटर। अगर आपसे बोला वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी 75% है, तो बताओ कितना वाटर रिक्वायर्ड है जो कि अप्लाई करना है फील्ड में, जल्दी बताओ। एफ सी माइनस एफ नॉट, एम सी भी लिख सकते हो उसको, गामा डब्ल्यू डी डब्ल्यू गामा डी। देखो मैं ये वाला ही फॉर्मूला मुझे याद रहता है, आपको दूसरा रहता है तो आप उसको यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये हो जाएगा आपका रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर 0.15, यूनिट वेट 1 ग्राम पर सीसी, अगर मेंशन नहीं है तो डी डब्ल्यू निकालना है, डी 70 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करके बताओ डी डब्ल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। एट पॉइंट फोर आ रहा है सबका, 8.4 सेंटीमीटर आ रहा है, 8.4 सेंटीमीटर। अब ये तो ऑप्शन में भी दिया है, जल्दी हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करके आना, क्यों, क्योंकि आपको वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी 75% दी है, तो फिर हमको तो ज्यादा, ये तो होता है जब 100% वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है, बट यहाँ तो 25% का लॉस हो रहा है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, तो
वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप, बताओ भाई जल्दी, सब मैं ही बताऊं। वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन ऑफ क्रॉप डिवाइडेड बाय वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। जल्दी बता दो, अब वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी दे रखी है कितनी, 0.75। अब बताओ बताओ कितना आएगा। कितना पानी डिलीवर हुआ भाई, कितना स्टोर हुआ, स्टोर हुआ 8.4। डिलीवर हमको निकालना है, तो जो निकालना है वो कितना हो जाएगा, 8.4 डिवाइडेड बाय 0.75, ठीक है, तो ये आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो ये आपका भी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बता दो मुझे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपसे थ्योरेटिकल पार्ट जब डिस्कस किया था विथ डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया गया है यूट्यूब पे, बताओ जल्दी। और ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर एग्जाम में याद नहीं आ रहा कि डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना, ऑब्वियस सी बात है जब एप्लीकेशन एफिशिएंसी कम है, 100% नहीं है, तो आपको ज्यादा पानी अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा पानी अप्लाई करना पड़ेगा तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? अगर कभी भी भूल जाते हो ना, अभी जैसे वो ड्यूटी वाटर कोर्स वाला, वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि ड्यूटी कहाँ पे ज्यादा होती है, तो कभी भी अगर आप, अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, तो फिर भूलोगे नहीं कि उसको डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। चलो इसका आंसर बता दो। अगर मैं सब चीज को कांस्टेंट रखूं, पैरामीटर्स को, और मैं मेन कैनल से फील्ड तक जाऊं, तो मुझे ऑब्वियस ही बात है कि ये जो ड्यूटी है ये क्या करेगी, डाउनस्ट्रीम में ज्यादा मिलेगी, तो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ जो है वो आपको बढ़ती हुई मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ये डाउनस्ट्रीम की तरफ जाती है, जो ट्रांसमिशन लॉसेस है, जो कन्वेयंस लॉसेस है, वो कम होते जाते हैं, तो ड्यूटी आपको फील्ड में ज्यादा मिलती है, ठीक है। आपको पता है मेन कैनाल से जाता है ब्रांच कैनाल, ब्रांच से डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर, माइनर से वाटर कोर्स, वाटर कोर्स से फील्ड, तो जो ड्यूटी आपको फील्ड पे मिलती है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ड्यूटी जो आपको मेन कैनाल में मिलती है, ठीक है। चलो ये 14 क्वेश्चन, तो मैंने पहले सोचा था 12 कराऊंगी, बट फिर मैंने 15 करा दिया। अब ये क्वेश्चन जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए और इसका आंसर आप मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ये होमवर्क है आप लोग के लिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैं करा रही हूँ तो स्पून फीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा। तो अब देखो इस क्वेश्चन में तो एक चीज बहुत अच्छी थी, वीट रबी है, बाजरा खरीफ है, ये सब मेंशन है, ठीक है, एग्जाम में आएगा ना गेट में, तो ये मेंशन नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए जो बेसिक नेम्स होते हैं रबी क्रॉप्स के, खरीफ क्रॉप्स के, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और मैंने इसका आंसर नहीं बताना है, कल सेशन के टाइम जब मिंटी क्विज खत्म हो जाएगा तो फिर मैं इसका आंसर बता दूंगी, बट उससे पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। कोई बात नहीं, अगर आपका आंसर गलत हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट आपने ट्राई किया, वो ही बड़ी बात है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, इसमें एक चीज बस नहीं आई है, वो है वेजिटेबल्स। क्लियर? क्लियर संदीप, श्री, नीरज, ट्रैवल इंजीनियर, क्लियर हो गया? तो इसका आंसर दोगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो तब तक के लिए, और कल होने वाला मिंटी क्विज पहली बात बता दूं, और बता रही हूँ नेक्स्ट चीज की, आपका सैटरडे को होने वाला है मॉक टेस्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे गेट में होता है, पूरे 65 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो अगर अभी तक, कोई बात नहीं मैम, मैंने जो है पूरा अभी तक के सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, ऑल दोज थिंग्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जितना पढ़ा है आप उसको ही अटेम्प्ट कर लो, दैट इज मोर देन सफिशियंट, ठीक है। आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार 100 मार्क्स के पेपर में एटलीस्ट मैंने 60 मार्क्स का तो सॉल्व किया है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस होगा। मैक्सिमम डिस्चार्ज लेंगे मैम, हाँ आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, शुगर केन जो होता है ट्रैवल इंजीनियर वो पेरिनियल क्रॉप होता है, ठीक है, उसका बेस पीरियड जनरली 365 डेज बोल देते हैं, 300 डेज, 365 डेज, तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, और फिर जो उस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम कैपेसिटी है वो लेना है। तो सब चीज दे रखी है आपको, ठीक
ठीक है, बस आपको कैलकुलेट करना है डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज क्या होता है वो भी आपको पता ही होगा, एरिया अपॉन ड्यूटी। तो मुझे लगता है बन जाना चाहिए आपको ये क्वेश्चन, मैंने पूरी हिंट तो दे दी आपको, और आंसर आपको बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और सैटरडे को आप सबको प्रेजेंट रहना मॉक टेस्ट के लिए, लिंक ऑलरेडी बन गई है, नोटिफाई करके अपने आपको रख लो, और कल होने वाला है मिंटी क्विज, और अभी तक के जैसे संदीप एक बार विनर रह चुके, और एक बार मेरे ख्याल से स्वप्निल थे शायद, इनको मिल चुके हैं गिफ्ट्स, तो वैसे ही अगर गिफ्ट्स चाहिए, देखो गिफ्ट्स तो सेकेंडरी है, नॉलेज प्राइमरी है, तो नॉलेज गेन करो जहां से जितना मिल रहा है, ठीक है। मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है, जितना है नीरज क्या क्या कंप्लीट है, जितना कंप्लीट है, लेटर सपोज एनवायरमेंट जियोटेक आरसीसी कंप्लीट है, आ जाओ दे लो, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन से आपको चीजें भी समझ में आएगी, नॉलेज ही गैदर करोगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वील मीट टुमारो इन द मिंटी क्विज, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड। और इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे आपसे चाहिए, गिफ्ट में क्या मिलता है मुझे नहीं पता, संदीप से पूछ लेना पर्सनली, वो आपको बता देगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बट ऐसा नहीं कि दो लोग पार्टिसिपेट करें, अगर पब्लिक अच्छी होती है तो आपको मिलता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आओ, क्लियर। ओके, सो विल मीट यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड, गुड नाइट।